हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं वेजिटेबल साइंस, सब्जी वाली फसलों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, पत्ता गोभी की अगेती किस्म की बीज दर होती है। तो पत्ता गोभी की जो अगेती किस्म होती है उनकी बीज दर होती है 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टर। तो पहले का द ऑप्शन राइट है। उसके अलावा अगर पूछ ले मध्यम किस्मों के लिए बीज दर तो 375 से 400 ग्राम होती है, और पछेती किस्मों के लिए भी पूछ ली जाए तो 375 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, पत्ता गोभी की पछेती किस्मों की बीज दर होती है तो 375 से 400 ग्राम, दूसरे का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, पत्ता गोभी की पछेती किस्म की नर्सरी तैयार करते हैं। पछेती किस्म की नर्सरी तैयार करते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो तीसरे का द ऑप्शन राइट है। अगर आपसे पूछ लें अगेती किस्मों की जो नर्सरी है वो कब लगाते हैं, जुलाई अगस्त में लगाते हैं, और उसका स्थानांतरण जो खेत में है वो अगस्त सितंबर में करते हैं। मध्यम किस्में उनकी नर्सरी लगाते हैं सितंबर में और स्थानांतरण अक्टूबर में करते हैं, और जो पछेती किस्में होती है उनकी नर्सरी तो लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में और स्थानांतरण करते हैं नवंबर दिसंबर में। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, पत्ता गोभी की मध्यम किस्मों की उपज होती है। तो मध्यम किस्मों की जो उपज होती है वो होती है 300 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, चौथे का सह ऑप्शन राइट है। अगर पूछ ले अगेती किस्मों की उपज होती है तो 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, और पछेती किस्मों की उपज पूछ ले तो 300 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट है पांच नंबर क्वेश्चन, पत्ता गोभी की पछेती किस्मों की पौधरोपण दूरी रखते हैं। पछेती किस्मों की पौधरोपण दूरी 60 × 45 सेंटीमीटर रखते हैं, पांचवे का बे ऑप्शन राइट है। मध्यम और पछेती दोनों में ही 60 × 45 रखते हैं। अगर पूछ ले अगेती किस्मों में पौधरोपण दूरी कितनी रखते हैं तो 45 × 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर, लहसुन के निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म है। तो लहसुन के निर्यात के लिए सबसे बढ़िया किस्म है G282, छठे का सह ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है सात नंबर क्वेश्चन, लहसुन के 1 हेक्टेयर पौधरोपण के लिए सलग कंद की आवश्यकता होती है तो 500 किलो प्रति हेक्टर आवश्यकता होती है, यानी सात का वह ऑप्शन राइट है, 500 किलो या फिर 5 क्विंटल प्रति हेक्टर। लेकिन ये जो अपने क्लोव लेते हैं इसकी जो परिधि है वो 8 से 10 mm होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है आठ नंबर क्वेश्चन, लहसुन में पौधरोपण का समय होता है सितंबर अक्टूबर, आठ का वह ऑप्शन राइट है, सितंबर अक्टूबर। नेक्स्ट है नौ नंबर क्वेश्चन, लहसुन के पौधरोपण के समय क्लोव की गहराई रखते हैं। तो क्लोव की गहराई रखते हैं बढ़िया अंकुरण के लिए या बढ़िया वृद्धि के लिए 5 से 7.5 सेंटीमीटर, नो का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, लहसुन में पौधरोपण दूरी रखते हैं 15 × 7 से 8 सेंटीमीटर, यानी 10वें का बे ऑप्शन राइट है, और यही पौधरोपण दूरी प्याज पौधरोपण के समय रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, प्याज के निर्यात के लिए उपयुक्त किस्में है। मध्यम आकार की जो होती है और सुंदर होती है लाल रंग की जो किस्में होती है वो सबसे बढ़िया होती है निर्यात के लिए। तो निर्यात के लिए सबसे बढ़िया किस्म कौन कौन सी है, एग्रोपाउंड रोज, अरका बिंदु, बेंगलोरा रोज, तीनों ही हैं, तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, 11 का द ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, प्याज की सीधी बुआई के लिए बीज दर रखते हैं। अगर सीधा खेत में बीज डालना है तो 25 से 30 किलो प्रति हेक्टर रखेंगे, तो 12वें का द ऑप्शन राइट है। लेकिन अगर हमें नर्सरी में पहले पौध तैयार करनी है तो तब हमें बीज चाहिए 8 से 10 किलो प्रति हेक्टर, यानी नर्सरी द्वारा अगर हमें रोपाई करनी है तो तब बीज दर चाहिए 8 से 10 किलो 1 हेक्टेयर के लिए। और अगर हमें सलग कंद लगाने हैं सीधे के सीधे छोटे सलग कंद लगाने हैं तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सलग कंद की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, प्याज में पौधरोपण दूरी रखते हैं। तो प्याज में पौधरोपण दूरी रखते हैं 15 × 7 से 8 सेंटीमीटर, तो पीछे हमने लहसुन में बात की थी वो सेम ही दूरी है, 13 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, प्याज की रबी की फसल के लिए नर्सरी से पौध स्थानांतरण का उपयुक्त समय होता है। पौध स्थानांतरण का समय जो रबी की फसल, वैसे प्याज मुख्य रूप से रबी के लेकिन कहीं कहीं खरीफ में भी लगाया जाता है, तो पौध स्थानांतरण का उपयुक्त समय होता है वो दिसंबर जनवरी, 14 का द ऑप्शन राइट है। इसके लिए नर्सरी तो तैयार करते हैं अक्टूबर नवंबर में और स्थानांतरण करते हैं दिसंबर जनवरी में। अगर हम खरीफ में प्याज लगाना चाहते हैं, वैसे तो प्याज मुख्य रूप से रबी के लेकिन खरीफ में कहीं कहीं लगाई जाती है, खरीफ में नर्सरी तैयार करेंगे तो मई से जून में अपने नर्सरी तैयार करेंगे और स्थानांतरण करेंगे जुलाई अगस्त में। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, मूली की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, मूली की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, तो 15 का जो ऑप्शन राइट है वो ए ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, मूली की यूरोपियन किस्में बुआई के कितने दिन में तैयार हो जाती है? तो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। 16 का बे ऑप्शन राइट है, 25 से 30 दिन। देखो मूली में दो तरह की किस्में होती है, एक तो यूरोपियन किस्में होती है, एक एशियाटिक। जो यूरोपियन किस्में होती है इन्हें शीतोष्ण जलवायु की या ठंडी जलवायु किस्में कहते हैं। इनको उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण तीनों में ही जड़ उत्पादन के लिए तो लगा सकते हैं, लेकिन बीज उत्पादन केवल शीतोष्ण जलवायु में होता है। ये आकार में छोटी होती है, इनमें चरचरापन कम होता है और इनका उत्पादन भी क्या होता है, कम होता है, और जल्दी तैयार हो जाती है, 25 से 30 दिन। एशियाटिक जो किस्में होती है वो आकार में बड़ी होती है, चरचरापन भी ज्यादा होता है, इनको उष्ण उपोषण में लगा भी सकते हैं यानी जड़ उत्पादन के लिए, और बीज उत्पादन भी कर सकते हैं, और इनका उत्पादन ज्यादा होता है और बुआई के से लेकर तैयार होने तक का ज्यादा समय लगता है, 45 से 55 दिन का समय लग जाता है। बाकी जो यूरोपियन है उसमें 25 से 30 दिन ही लगते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, मूली में आकाशीन विकार कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो बोरोन की कमी से होता है। 17 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, मूली की एशियाटिक किस्मों में बीज दर रखते हैं। एशियाटिक किस्म में पौधा बड़ा है और फैल कर भी बढ़ती है, तो बीज दर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टर रखते हैं। 18 का बे ऑप्शन राइट है। लेकिन यूरोपियन किस्मों की बात करें तो इनमें बीज दर 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, मूली की यूरोपियन किस्मों में बीज दर 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर, 19 का सही ऑप्शन। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, गाजर में केरोटिन बनने के लिए उपयुक्त तापमान होता है। तो गाजर में जो केरोटिन बनने के लिए उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 15.6 से 21.1 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 का सी ऑप्शन राइट है। अगर पूछ लेते जड़ बनने के लिए या जड़ की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान तो होता 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछ लिया जाता बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान तो बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होता है 7.2 से लेकर 23.9 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ केरोटीन बनने के लिए पूछा है तो 15.6 से 21.1 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 का सही ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, गाजर की कौन सी किस्म डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो चैंटनी जो किस्म है वो डिब्बाबंदी के लिए सबसे बढ़िया है। 21 का सही ऑप्शन राइट है। गाजर की बीज दर रखते हैं, तो गाजर के लिए जो बीज दर रखी जाती है वो 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर, 22 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, गाजर की यूरोपियन किस्मों में बुआई करते हैं? यूरोपियन किस्मों में बुआई करते हैं अक्टूबर नवंबर में, 23 का बे ऑप्शन राइट है। लेकिन गाजर में भी मूली की तरह यूरोपियन और एशियाटिक दो तरह की किस्में होती है। जो यूरोपियन होती है वो आकार में छोटी होती है, दिखने में पीला रंग ज्यादा होता है और इनका उत्पादन भी कम होता है। पीला रंग ज्यादा इसका मतलब इनमें केरोटीन ज्यादा होता है और एंथोसाइनिन कम होता है। केरोटीन ज्यादा इसका मतलब विटामिन ए ज्यादा होता है, गुणवत्ता अच्छी होती है इनकी। ये लगाई तो तीनों ही जलवायु में जा सकती है, शीतोष्ण, उष्ण, उपोष्ण में जड़ उत्पादन के लिए, लेकिन बीज उत्पादन केवल शीतोष्ण जलवायु में होगा। एशियाटिक जो किस्में हैं इनको उष्ण जलवायु की किस्में भी बोलते हैं। आकार में बड़ी होती है, गहरे लाल रंग की होती है, एंथोसाइनिन ज्यादा होता है, केरोटीन कम होता है, इनका उत्पादन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये थोड़ी गर्मी सहन कर सकती है, इनको उष्ण उपोष्ण जलवायु में जड़ उत्पादन के लिए भी लगाई जा सकती है और बीज उत्पादन के लिए भी लगाई जा सकती है। तो जो यूरोपियन किस्में हैं उनकी तो बुआई होगी अक्टूबर नवंबर, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है, शीतोष्ण जलवायु की है। लेकिन जो एशियाटिक किस्में होती है उनको जल्दी भी लगा सकते हैं अपने थोड़ा गर्मी में, अगस्त से नवंबर में। अगला क्वेश्चन है, गाजर की एशियाटिक किस्मों में बुआई करते हैं तो अगस्त से नवंबर करते हैं, 24 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, गाजर के बीज की गहराई रखते हैं, जब बुआई करते हैं तो बीज की गहराई 1.5 से 2 सेंटीमीटर रखते हैं, तो 25 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, देसी पालक की बुआई का समय है। देसी पालक होती है वो ज्यादा गर्मी सहन कर सकती है विलायती पालक की तुलना से। तो देसी पालक में जो बुआई का समय होता है वो अगस्त से नवंबर तक होता है, 26 का ए ऑप्शन राइट। अगर विलायती पालक पूछा जाए तो केवल अक्टूबर नवंबर ही समय होता है, क्योंकि ये गर्मी सहन नहीं कर पाती है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, विलायती पालक की बुआई का समय है तो अक्टूबर नवंबर, 27 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, पालक की बीज दर होती है, तो जो पालक की बीज दर होती है वो ऑलमोस्ट 25 किलो प्रति हेक्टेयर, 28 का बे ऑप्शन राइट है, 25 किलो प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, भिंडी की येलो वाइन मोजक वायरस के प्रतिरोधी किस्म है। पंजाब पद्मनी, पुसा A4, अर्का अनामिका, ये तीनों ही येलो वाइन मोजक वायरस के प्रतिरोधी है, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, 29 का दया ऑप्शन। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, भिंडी की अंतरा जातीय संकरण से तैयार की गई किस्म है, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस।
यानी दो जातियों के मध्य जो क्रॉस होता है उनको क्या बोलते हैं, अंतरा जातीय संकरण बोलते हैं। तो जो पंजाब पद्मनी है ये दो जातियों का क्रॉस है। कौन कौन सी जाति का क्रॉस है? एक तो है एबल मोस्कस एस्कुलेंटस, उसका क्रॉस हुआ है एबल मोस्कस मैनीहोट। एक एस्कुलेंटस जाति है, दूसरी मैनीहोट जाति है, तो उनके संकरण से तैयार है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पंजाब पद्मनी। उसके अलावा जो परबनी क्रांति है वो भी अंतरा जातीय संकरण है, वो भी एबल मोस्कस एस्कुलेंटस इंटू एबल मोस्कस मैनीहोट के संकरण से तैयार की गई। ये दो ऐसी किस्में भिंडी की जो अंतरा जातीय संकरण से तैयार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर होती है। भिंडी वर्षाकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ही सीजन में लगाई जाती है, तो ग्रीष्मकालीन में बीज दर ज्यादा रखते हैं। तो 31 का राइट आंसर होगा 18 से 20 किलो प्रति हेक्टर, सही ऑप्शन राइट है। 32 नंबर क्वेश्चन, वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर होती है, वर्षाकालीन में थोड़ी बीज दर कम रखते हैं, तो 8 से 10 किलो प्रति हेक्टर, 32 का ए ऑप्शन राइट है। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रीष्मकालीन भिंडी में पौधरोपण दूरी रखते हैं, ग्रीष्मकालीन में थोड़ी पौधरोपण दूरी है वो कम रखनी पड़ती है क्योंकि पौधा कम फैलता है, 45x30 सेंटीमीटर होती है, 33 का सही ऑप्शन राइट है। 34 नंबर क्वेश्चन, वर्षाकालीन भिंडी में पौधरोपण दूरी, वर्षा होती है, पानी की उपलब्धता ज्यादा होती है, पौधा ज्यादा फैलता है, थोड़ी पौधरोपण दूरी ज्यादा कर देते हैं, तो इसमें 60x45 सेंटीमीटर होती है, 34 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन भिंडी की उपज होती है, ग्रीष्मकालीन भिंडी की उपज तो कम होती है लेकिन मार्केट में प्राइस बहुत अच्छा होता है, तो इसकी उपज होती है 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टर, 35 का बे ऑप्शन राइट है। अगर यहीं पे वर्षाकालीन भिंडी की उपज पूछ ली जाती तो 90 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टर होती, इसकी उपज तो ज्यादा होती लेकिन मार्केट में प्राइस क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, वर्षाकालीन भिंडी की उपज होती है 90 से 120 क्विंटल, तो 36 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, भिंडी की बीज उत्पादन, भिंडी का बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर होता है 1 से 1.5 टन प्रति हेक्टर, यानी 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर, तो 37 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, लिटिल मार्वल किस्म है, लिटिल मार्वल मटर की किस्म है, 38 का दे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, वर्षा उपहार किस्म है, तो वर्षा उपहार भिंडी की किस्म है, 39 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, बीकानेरी ग्रीन किस्म है, बीकानेरी ग्रीन किस्म है वो टिंडा की है, 40 का बे ऑप्शन राइट है। अगर जोबनेरी ग्रीन पूछ ले तो पालक की किस्म है और बीकानेरी ग्रीन है वो टिंडा की किस्म है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, पुसा ग्रीन किस्म है, तो पुसा ग्रीन जो किस्म है वो पालक की है, 41 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, टमाटर की अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्मों की ऊंचाई होती है, अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्मों की ऊंचाई होती है 6 से 12 फीट, 42 का सही ऑप्शन राइट है। देखो टमाटर में तीन तरह की किस्में होती है, निर्धारित वृद्धि वाली को बोलते हैं डिटर्मिनेट और अनिर्धारित वृद्धि वाली को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट टाइप। इसके बीच की होती है उसको अर्ध निर्धारित वृद्धि वाली या सेमी डिटर्मिनेट बोलते हैं। पहले अपने डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट की बात करते हैं, यानी जो अनिर्धारित वृद्धि वाली होती है उसकी लंबाई होती है 6 से 12 फीट और प्रत्येक जो तीसरी कली की कलिका होती है या नोड होती है उस पर इसका फुटान निकलता है और इसको विशेष सहारे की आवश्यकता होती है, बिना सहारा इसको नहीं लगाया जा सकता है। ये जो अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में होती है ये पॉली हाउस ग्रीन हाउस में लगाई जाती है, खुले खेतों में इसको लगाना संभव नहीं है। जो डिटर्मिनेट होती है ये लगभग 3 से 4 फीट ऊंची होती है, यानी निर्धारित वृद्धि वाली होती है, प्रत्येक कलिका पर फुटान निकलता है, किसी विशेष सहारे की इसको आवश्यकता नहीं होती, खुले खेतों में ओपन कल्टिवेशन में इसी को काम में लिया जाता है। इसके अलावा इन दोनों के बीच की जैसे किस्में होती है जो 4 से 6 फीट की ऊंची होती है वो अर्ध निर्धारित वृद्धि वाली होती है। नेक्स्ट ये डायग्राम भी मैंने एक साथ दे रखा है, जो अनिर्धारित वृद्धि वाली बहुत लंबी है और जो निर्धारित वृद्धि वाली है वो छोटी होती है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, पुसा रूबी किस्म है, तो पुसा रूबी जो किस्म है निर्धारित वृद्धि वाली किस्म है, 43 का है ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, टमाटर की शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है, तो सबसे उपयुक्त किस्म है अर्का विकास, 44 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से टमाटर की सूत्रकर्मी प्रतिरोधी किस्म है, तो सूत्रकर्मी प्रतिरोधी किस्म है सिलेक्शन 120 या S120 बोल देते हैं, तो 35 का दे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, टमाटर की सबसे अगेती किस्म है, तो सबसे अगेती किस्म है अर्का अरुण, 40 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, टमाटर की अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है, तो अर्का मेघाली, जहां मेघ ज्यादा है
जहां बादल ज्यादा है वहां वर्षा ज्यादा है, तो वर्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म अरका मेघाली। 47 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, टमाटर की जैव प्रौद्योगिकी द्वारा बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किस्म है फ्लेवर सेवर, इंपॉर्टेंट है। 48 का सही ऑप्शन राइट है, यूएसए से तैयार की गई है। इसमें कैरोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है और इसकी भंडारण क्षमता भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, लंबी दूरी के बाजार में भेजने के लिए टमाटर की तुड़ाई करते हैं, तो टमाटर की तुड़ाई ब्रेकिंग अथवा टर्निंग अवस्था में करते हैं। 49 का ए ऑप्शन राइट है। देखो टमाटर की तुड़ाई की अवस्थाएं क्या होती है अभी अपने बात करते हैं। देखो टमाटर में तुड़ाई की 5 अवस्थाएं होती है, कई बार इनको 6 या 7 भागों में बांट दिया जाता है। अपने मोटी मोटी बात कर लेते हैं। सबसे पहले होती है ग्रीन स्टेज। देखो यहाँ पे डायग्राम में सबसे ऊपर जो टमाटर दिया हुआ है वो ग्रीन स्टेज है। बाजार में जल्दी टमाटर लाकर ज्यादा पैसा या ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ग्रीन स्टेज पे हरी अवस्था पे तोड़ा जाता है, तो ये पहली अवस्था है। दूसरा, 2 नंबर पे जो डायग्राम दे रखा है, फोटो दे रखी है, दूसरा जो टमाटर है वो है ब्रेकिंग अथवा टर्निंग स्टेज। वैसे ब्रेकिंग और टर्निंग थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन फिर भी अपने इनको एक साथ ही पढ़ेंगे, तो ब्रेकिंग या टर्निंग यानी इस पे रंग आना शुरू हो गया है और लगभग 1/4 भाग पर रंग आ जाता है, हल्का सा ऐसे लाल लाल सा रंग दिखता है, उसको ब्रेकिंग या टर्निंग स्टेज बोलते हैं। तो इस अवस्था पर अपने तुड़ाई करते हैं, दूर बाजार में भेजते हैं, तब तक क्या होता है ये थोड़ा पक जाता है, क्योंकि सब्जियों में सिर्फ टमाटर और खरबूजा 2 ही ऐसी सब्जियां हैं जो क्लाइमेट्रिक है, तोड़ने के बाद पक सकती है। अगर पका हुआ तोड़ के भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस अवस्था में तोड़ के भेजेंगे तो वो जल्दी से खराब नहीं होगा, धीरे धीरे पकता रहेगा। तो दूर बाजार में भेजने के लिए ब्रेकिंग अथवा टर्निंग अवस्था ठीक है। तीसरी जो स्टेज है इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, कई बार पिंक स्टेज और लाइट रेड स्टेज। अपने इन दोनों को एक साथ ही बात करें, पिंक स्टेज गुलाबी अवस्था या फिर हल्की लाल अवस्था। इसमें क्या होता है, टमाटर के लगभग 3/4 भाग पर क्या होता है, रंग विकसित हो जाता है, यह गुलाबी रंग का टमाटर दिखता है। इसको क्या करते हैं, लोकल बाजार में बेचने के लिए अपने इस अवस्था में तोड़ते हैं। अगर पका हुआ तोड़ेंगे और ज्यादा तो क्या होगा, वो फिर इतना उसको ज्यादा समय तक रख नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, लॉसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो डायग्राम में जो तीसरा टमाटर दिख रहा है वो गुलाबी अवस्था है या फिर हल्की लाल अवस्था भी बोल देंगे। नेक्स्ट है जो चौथी अवस्था है वो है राइप स्टेज, पूर्णतः पकी अवस्था है राइप स्टेज। ताजा खाना है या सलाद के रूप में खाना है तब ये अवस्था सबसे बढ़िया रहती है, राइप स्टेज जो होती है। नेक्स्ट है अधिक पकी अवस्था या ओवर राइप स्टेज, जिसमें टमाटर पकने के बाद थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है, तो इसका पल्प वगैरह निकालना क्या होता है, बहुत आसान होता है। अगर आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, पल्प निकालना चाहते हैं, तो ओवर राइप स्टेज पे अपने को तोड़ना चाहिए। तो प्रोसेसिंग के लिए कौन सी अवस्था पे तोड़ा जाता है, ओवर राइप स्टेज पे तोड़ा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट काई के विकास किसके कारण होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, ब्लॉसम एंड रोट को शॉर्ट में BERB बोलते हैं। कैल्शियम की कमी से होता है, अधिक तापमान के कारण होता है और सिंचाई की अनियमितता, तो उपरोक्त सभी के कारण होता है। 50 का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ब्लॉसम एंड जो रोट है ये टमाटर में सडन स्टार्ट हो जाती है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस तरह की जो सडन होती है वो ब्लॉसम एंड रोट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, टमाटर का गोल्ड फ्लेक काई के विकार होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट की अधिकता से भी होता है, पोटास की कमी से भी होता है और कैल्शियम की कमी से भी होता है, तो उपरोक्त सभी का उनका द ऑप्शन राइट है। जो टमाटर का डायग्राम दिया हुआ है ये गोल्ड फ्लेक विकार के ही लक्षण होते हैं, ऐसे गोल्ड कलर के फ्लैक बन जाते हैं, उनको गोल्ड फ्लैक बोलते हैं। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, सूखी मिर्च में डंटल बीज और पेपरिका का अनुपात होता है। डंटल होता है 6%, बीज होता है 54% और पेपरिका होती है 40%, तो 52 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, पुष्पा बिंदु किस्म है, पुष्पा बिंदु किस्म है वो बैंगन की है, 53 का बे ऑप्शन राइट है, और अर्का बिंदु जो किस्म है वो प्याज की होती है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, पुष्पा दीपाली किस्म है तो फूल गोभी की किस्म है, 54 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, पुष्पा संबंध किस्म है तो पुष्पा संबंध पत्ता गोभी की किस्म है, 55 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, बैंगन की फोमोप्सिस ब्लाइट की प्रतिरोधी किस्म है, पुष्पा भैरव भी है, पुष्पा अनुपम भी है, फ्लोरिडा मार्केट भी है, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, 56 का द ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, गोभी वर्गीय सब्जियों में भूरा सड़न रोग ब्राउन रोट या ब्राउनिंग या रेड रोट भी बोलते हैं, विकार कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है, तो बोरोन की कमी से होता है, 57 का सही ऑप्शन राइट है।
ये जो फूल गोभी का डायग्राम दिया हुआ है ये भूरा सडन रोग से प्रभावित है, यानी फूल होता है वो भूरा पड़ जाता है, लक्षण पत्तियों पर भी इसके दिखाई देते हैं। तो अगर दोस्तों मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।